आजकल जो हमारा टेलीविज़न है वो बॉलीवुड से ज़्यादा फेमस हो गया, और बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जो उसी से बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। तो हम बात कर रहे हैं रेशमी घोष की, और जानते हैं इनसे कि इनके नए टीवी सीरियल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वेलकम टू डे नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी टू बी टॉकिंग टू यू। चंडीगढ़ आके बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो हमें ये बताइए कि जो आप इस टीवी सीरियल के बारे में बताइए, और ये बताइए आप किस तरह का रोल प्ले कर रही हैं। ये जो शो है महाराक्षस कार्यन, ये मेरा जी के साथ तीसरा काम है। इससे पहले जस्ट बुद्धा कर रही थी, तो मुझे ये हटके लगा कि कुछ अलग ही है। तो जहाँ पे मैं विश कन्या का रोल प्ले कर रही हूँ, जो एक नागिन है, मतलब नागों की रानी है बेसिकली, एंड वो जिस कदर सांपों के साथ बातें करती है, शी इज़ हर जिससे भी बात करती है बहुत अदा से बात करती है, पोएटिक स्टाइल में बात करती है, और वो डायरेक्टली नहीं कहती, ये नहीं कहती है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो वो बोलती है कि विश को चाहिए, विश चाहती है कि ऐसा कुछ हो। तो वो जो एक अलग स्टाइल ऑफ टॉकिंग, दैट अट्रैक्टेड मी अ लॉट। तो आपको ये सब कुछ अट्रैक्ट तो बहुत कर रहा है, और हमने सुना भी है कि आप जो लोगों को रुलाना आपको बहुत पसंद है, आपने हाल ही में ये स्टेटमेंट भी दी थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली लोगों को रुलाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन वो जो किरदार मैं प्ले करती हूँ उसमें जब दिखाते हैं कि जो सारे ड्रामा करते हैं कोई एक्चुअली रोता नहीं है, पर वो जो दिखाते हैं कि हाँ रो रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव कैरेक्टर एंटागनिस्ट के रोल में ना एक चैलेंज रहता है हमेशा, देयर इज़ अ वर्सेटैलिटी, तो वो करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो आई जस्ट जोकिंगली आई सेड कि लाइटली आई सेड दैट मुझे रुलाना अच्छा लगता है, बेसिकली नथिंग, जो एंटागनिस्ट होते हैं उनको बहुत उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं अलग अलग तरीके से रोल को, किरदार को प्ले करने का। तो आपने, जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि आप नेगेटिव रोल्स ही करते हैं, तो इतना क्या खा सकते हैं आपको नेगेटिव रोल्स में? आप कभी कोई सावित्री टाइप्स रोल क्यों नहीं करती हैं, सती सावित्री टाइप्स? बिलीव कीजिए कि जब भी मुझे कोई बुलाता था पहले, मैंने एक टाइम पे कि आइए आप ये पॉजिटिव रोल है आके प्ले कीजिए, मैं बिलीव कीजिए मैं बहुत अच्छे से करके आती थी। लुक टेस्ट हमारा होता था, ऑडिशन जो होता है, उसके बाद चैनल कहता है नहीं नहीं आई थिंक रेशमी को वो ही नेगेटिव रोल ही देना चाहिए, शी इज़ ओनली गुड विद दैट। आई थिंक वो पहले शुरुआत में तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों, मैं जब कर सकती हूँ क्यों नहीं देते, बट अब मज़ा आने लगा है बिकॉज इसमें बहुत वर्सेटैलिटी होती है, अलग अलग तरीके से हम लोग एक रोल को प्ले कर सकते हैं जो बेचारे पॉजिटिव लोग नहीं कर सकते बिकॉज बेचारे रोते ही रहते हैं। दैट्स इट, इट्स नथिंग लाइक आई हैव ग्रेट फन, और मुझे जब ये दिया ही गया है कि मुझे ऐसे ही रोल्स प्ले करने हैं, तो मैं करूँगी आराम से हंसते हंसते। तो ये तो आपकी टेलीविजन शोज़ के बारे में बात हुई, बट अगर हम रियलिटी शोज़ के बारे में बात करें, जैसे कि बिग बॉस सीजन 8 आ गया है, तो उसमें अगर आपको जाने का मौका मिले तो आप जाएंगी? ऐसे बिग बॉस मुझे एक दो बार ऑफर हो चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी है, बट आई डोंट थिंक आई विल बी एवर कंफर्टेबल डूइंग बिग बॉस बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर इट, होता है ना, बिकॉज हर जगह जाके आप कंफर्टेबल हो जाओगे, और जो भी बिग बॉस में जाते हैं वो लोग वो कंफर्ट देखते हैं कि वेदर दे विल बी कंफर्टेबल और नॉट, वो कंफर्ट मुझे बिल्कुल नहीं होगी बिकॉज आई एम वेरी प्राइवेट, मैं बकबक करती हूँ वो ठीक है, बट ये सब मामले में आई एम एक्सट्रीमली प्राइवेट एंड इमोशनल, मैं तो हर बात पे रो दूंगी, वो पहले दिन ही निकाल देंगे मुझे, तो बेटर मैं ना जाऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है, अभी तक तो ऐसा सोचा नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आपकी सारी बात रही कि आप रियलिटी शो में आएंगे कि नहीं आएंगे, आपने तो साफ मना कर दिया है, लेकिन आपकी बात करें आपकी लव लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की, अभी आपकी हाल ही में शादी भी हुई है, तो उसके बारे में बताइए आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, आप कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? एक्चुअली फ्रेंकली स्पीकिंग थैंकफुली गॉट मैरिड टू एन एक्टर, हम दोनों ही नेगेटिव रोल्स प्ले करते हैं, तो जबकि शुरू किया था जब व्हेन आई फर्स्ट वर्क्ड विद हिम वाज इन शोभा सोमनाथ की, वो भी जी के लिए, तो तब तो पता नहीं था कि शादी होने वाली है, तो वहाँ पे भाई बहन का रोल प्ले कर रहे थे और बहुत मज़े कर रहे थे। वेरी फ्रैंकली माय हस्बैंड इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, वो बहुत सपोर्टिव हैं, जो सही है सही के लिए हाँ बोलते हैं, जो गलत है वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं कि ये सही नहीं है एक बार सोच लो करने से पहले। सो मोर देन अ हस्बैंड, फ्रेंकली स्पीकिंग ही इज़ अ फ्रेंड, सो दैट फ्रेंडशिप जहाँ पे हस्बैंड होना चाहिए हो तो हो ही जाते हैं, फिर वो मुझे अगर मैं थोड़ी बहुत डर भी जाती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आई थिंक आई शुड लिसन टू हिम, बट ही इज़ अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी डेफिनेटली।
सपोर्ट करते हैं, प्रोफेशनल हैं, तो रोमांटिक भी है कि नहीं आपके लिए? सबसे रोमांटिक चीज़ कौन सी करी उन्होंने आज तक? जब जिस दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया था, मेरे लिए वो बहुत रोमांटिक था. मतलब मैं तो कलकत्ता में थी, वो बॉम्बे से फ़ोन पे प्रपोज किया था. मेरे लिए ही इज़ वेरी ही इज़ ऑल्सो ही मैं तो फिर भी इतनी बकबक करती हूँ, बहुत चुपचाप से हैं, बहुत प्राइवेट हैं बेसिकली, बट उनका रोमांस उसी में है. वो जो भी है, ही इज़ रोमांटिक बट नॉट वेरी ओपनली रोमांटिक. बट वो जो भी हर चीज़ में मुझे बहुत स्पेस देते हैं और ही अंडरस्टैंड्स मी. मेरे लिए दिस इज़ ओनली रोमांस. तो आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर चुकी हैं, आपने बॉलीवुड मूवीज़ भी कर रही हैं, टीवी सीरियल्स भी कर रही हैं, तो अब आप कम बैक कब करने वाली हैं बॉलीवुड में? मैं शायद सबसे यही कहती रहती हूँ कि बॉलीवुड तभी होगा शायद. एक तो किस्मत की बात होती है, सेकेंडली इज़ एक ऐसा रोल मिले जो करने में मज़ा है. बिकॉज़ ये सीरियल कर कर के ना मुझे वो चीज़ की लालच हो गई है, वही रोल करूँ जो करने में मज़ा है. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हीरोइन ही खोज होंगी या ऐसा ही कुछ होना है. रोल अच्छा होना चाहिए, चाहे वो 3-4 सीन्स का ही हो या फिर पूरे फिल्म में लगातार हो, लेकिन किरदार अच्छा होना तो बहुत मज़ा आएगा, तभी करूँगी. नहीं तो अभी ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि करना चाहिए. नेगेटिव ही होना चाहिए? नहीं नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना कि रोल अच्छा होना चाहिए. नेगेटिव पॉजिटिव आई डोंट अंडरस्टैंड, आई ओनली अंडरस्टैंड द कैरेक्टर द रोल. तो वो अच्छा कोई दे दे तो डेफिनेटली करूँगी. ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अब इस सीरियल में आपको हम किस अवतार में देखेंगे? अब इस सीरियल महारक्षक आर्यन में आप मुझे सांप के अवतार में देखेंगे. इससे पहले आप लोग को देख चुके हैं चील के अवतार में. मैंने जो भी एनिमल्स है सब मैं प्ले करूंगी शायद एक एक करके, लेकिन सांप का ये रोल प्ले करने में, सांपों के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे पता चला कि मुझ में भी एक डेयरिंग चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ. एंड इतने जतन से सांपों को वो लोग यूज़ कर रहे थे, मैंने भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है जैसे, जबकि डेफिनेटली डर तो लगता ही है. तो हमारी ऑडियंस को आप बता दीजिए अपने विश करने अवतार में, मतलब नेगेटिविटी भी पूरी, कि वो आपके सीरियल को क्यों देखें. हम तो ये कहना चाहेंगे कि विश की यही विश है कि आप सब देखिए महारक्षक आर्यन, क्योंकि इसमें मैं आ रही हूँ एज विश कन्या. That was really amazing. Thank you so much for talking with us. तो यही तो देखा आपने कि ये विश करने आपको बहुत चक्कर ना करने के लिए आ रही हैं. कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ प्रीति सिंह, डे नाइट न्यूज चंडीगढ़. खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए. हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर. खबरों के साथ बने रहिए रात दिन.